असलकम दिस इज़ सीद फीम फ्राम आई टी टेक्नोलॉजीज़ आज का हमारा टॉपिक है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स सबसे पहले हम देखेंगे डेटा एंट्री क्या होता है डेटा एंट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन टू यूजिंग डिवाइस सच एज कीबोर्ड स्कैनर डिस्क वॉइस एट्सट्रा तो हमारे पास डेटा एंट्री जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं या इनपुट करते हैं या डालते हैं उसको हम डेटा एंट्री कहते हैं उसके लिए कुछ हमारे पास जो डिवाइस का यूज़ होता है वो जैसे कीबोर्ड है स्कैनर है डिस्क है या वॉइस के थ्रू भी हम डेटा एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिवाइस है लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो कीबोर्डिंग सिकल्स पे है तो हाँ, हम आगे चलेंगे अब हमारे पास कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है इस कीबोर्ड को हम थोड़ा सा देखेंगे ये क्या होता है ये मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है इस कीबोर्ड के अंदर तकरीबन सौ से ज़्यादा कीज़ होती हैं तो जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है ये कीबोर्ड की कीज़ हैं तो इसमें ये जो कीज़़ हैं ये बहुत सारी टाइप्स की होती हैं जैसे अल्फा कीज पंक्चुएशन कीज़ ऑल्ट कीज़ एरो कीज़ शिफ्ट कीज़ बैक स्पेस की होती है कैप्स लॉक की होती है कंट्रोल की डिलीट की एंटर की ई एस सी की यानी एस्केप और फंक्शन कीज़ होती हैं ये सारे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये कीबोर्ड की कीज़ जो हैं इसके अलावा कीबोर्डिंग सिकल्स पे हम आएंगे जब आप डेटा एंटर करते हैं डेटा एंटर करने के लिए हमें सिकल्स होने चाहिए कीबोर्ड किस तरीके से हम अच्छे से एफिशिएंटली चलाएं उसके लिए एक आ, हमें क्या करना है सबसे पहले आ, हमें बैठना कैसे है जब हम डेटा एंटर करेंगे हमें सबसे पहले पोजीशन फीट ऑन द फ्लोर फॉर बैलेंस अपने पैरों को ज़मीन पे अच्छे बैलेंस के साथ रखना है सेंटर बॉडी टू एच की विद एल्बोज एट साइड्स जब हम बैठेंगे कंप्यूटर के सामने चेयर पर बैठेंगे तो हमें एच जो की होती है कीबोर्ड पे तो अपनी बाडी को उसी के हिसाब से सेंटर करना है और एल्बोज अपनी साइड पे तो सारी यूज़ ऑल टेन फिंगर्स फॉर टाइपिंग सारी हमारी जो फिंगर्स हैं ये हमें टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करनी है सिटप स्ट्रेट स्ट्रेट हमें बैठना है और कर्व फिंगर्स और होम कीज़ होम कीज़ के ऊपर हमारी फिंगर्स करव करनी है हमें अपनी उंगलियों को कीप रिस्ट ऑफ़ द कीबोर्ड अपने रिस्ट्स को कीबोर्ड से हट के रखना है हटा के रखना है कीप ऑन प्रिंटेड कापी और जो आपके प्रिंटेड कापी जो आपके पास है जो डेटा आपके पास है इंफॉर्मेशन आपके पास जो आपको एंटर करना है उस पर नज़र रखना है थैंक यू सो मच